हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है नाइम और आप देख रहे हैं अपना एंड्रॉयड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ़ोन पे के बारे में। फ़ोन पे से आप कैसे पैसा अर्न कर सकते हो, बहुत ही काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, कोई भी इससे पैसा अर्न कर सकता है। तो दोस्तों, फ़ोन पे को लेके मैंने बहुत वीडियो पहले ही बना चुका है कि इसको कैसे यूज़ करना है, और FAQ भी वीडियो बनाया था कि पैसा कैसे ट्रांसफ़र करना है, लेना है, UPI क्या होता है, उसके बाद जो VPA क्या होता है, सारी चीज़ें के बारे में मैंने वीडियोज़ बना दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मी ब्लूटूथ स्पीकर मिनी का गिव अवे अभी भी चल रहा है, तो उसमें अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट कर लीजिए, क्योंकि विनर का अनाउंसमेंट जो है 10,000 सब्सक्राइबर होने पर ही मैं कर दूंगा, और आप में से कोई एक जीत जाएगा मी ब्लूटूथ स्पीकर मिनी। तो आपने अगर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आप फ़ोन पे से पैसा कैसे अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने फ़ोन पे अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, या अगर आपको नहीं पता कि फ़ोन पे क्या है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहीं से जाके फ़ोन पे को इंस्टॉल कर लीजिए। तो फ़ोन पे एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे कि आपको बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट में शॉपिंग कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, गैस बिल, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और ये पैसा जो आपका कटेगा वो डायरेक्टली बैंक से कटेगा। तो दोस्तों, जो जब से फ़ोन पे आया है, मैंने लगभग मतलब उसी टाइम से पेटीएम को बहुत ही कम यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी सिंपल हो जाता है ये चीज़। आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करो तो आपका पैसा जो है डायरेक्ट बैंक से कटता है। पेटीएम में क्या होता है कि आपको जो पहले कैश लोड करना पड़ता है, फिर जाके आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा आपको नहीं मिलता है, आप डायरेक्टली बैंक से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं एप्लीकेशन से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, और बहुत लोगों को मैंने इसको रिकमेंड भी किया है। और मेरा जो फ़ोन, तो दोस्तों, आपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपको बहुत सिंपल से रजिस्ट्रेशन करना है, काफ़ी एक सिंपल प्रोसेस है। आपको बस फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी देना है, उसके बाद आपको जो है अपना बैंक के साथ इसको लिंक करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखें कि अगर आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं तो आपका जिस फ़ोन नंबर से आप रजिस्टर कर रहे हैं वो फ़ोन आपका बैंक में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ही जाके ये वेरीफिकेशन हो जाएगा और आपका अकाउंट चालू होगा। तो उसके बाद आपने वेरीफिकेशन एक बार कर लिया, उसके बाद आपको जो है फ़ोन को अपना जो ऐप है फ़ोन पे ऐप, उसको बैंक के साथ लिंक करना है। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएंगे लिंक टू बैंक। करने के बाद आप वहाँ पे अपना जो भी बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे लगभग हर एक बैंक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको UPI पिन जनरेट करना है। UPI पिन जनरेट करने के लिए शायद आपको डेबिट कार्ड का ज़रूरत पड़े, तो डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट और कुछ एक्सपायरी डेट वगैरह मांगता है ये, उसके बाद आपका जो है पिन जनरेट हो जाएगा। और इसको भी अभी दोस्तों, एक बार आपने जो है डाउनलोड कर लिया और उसके बाद सारा प्रोसेस को कर लिया, और डाउनलोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसी से करना है। तो यहाँ पे आपको जो है अभी फ़ोन पे में जब मैंने वीडियो बनाया था तब जो है रेफरल प्रोग्राम नहीं था, तब पहली बार फ़ोन पे आया था तो वहाँ पे रेफरल प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अभी फ़ोन पे में एक रेफरल प्रोग्राम आ गया है। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने लोगों को रेफ़र कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना रेफ़र कर सकते हैं। जो लोग भी इसको डाउनलोड करेंगे आपके रेफ़र कोड से, तो आपको जो है 75 करके अभी मिल रहा है। पहले 100 मिलता था, उससे पहले 150 मिलता था, तो ये धीरे धीरे घट रहा है। तो अब जल्द से जल्द जो है इसको डाउनलोड करके यूज़ करना चालू कर दीजिए। तो यहाँ पे इनवाइट एंड अर्न पे आप देख सकते हैं, इनवाइट एंड अर्न पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका URL देखने को मिल जाएगा, इसको कि आप शेयर करेंगे। उसके बाद अगर आपका कोई दोस्त डाउनलोड करता है और पहला UPI पेमेंट कर लेता है तो आपको जो है 75 मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस 75 को अगर पहले क्या होता था कि आप डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन अभी फ़ोन पे बहुत चालाक हो गया है, इसको आपको जो है डायरेक्टली फोन बैंक में ट्रांसफ़र करने नहीं देता है, ये नॉन विड्रोवल पैसा में चल जाता है, इसको क्या विड्रॉ नहीं कर सकते बैंक में। लेकिन यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि रिचार्ज कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं, फ्लिपकार्ट में शॉपिंग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, DTH, गैस, ब्रॉडबैंड, गूगल प्ले कार्ड खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है रिटेल आउटलेट है बहुत सारे, जैसे कि आप ऑफ़र में जाएंगे तो, जैसे कि यहाँ पे ऑफ़र में KFC का ऑफ़र चल रहा था कि अगर आप KFC में जाके पहली बार फ़ोन पे से खाते हैं तो आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा। तो 100% कैशबैक अगर आपको मिल जाएगा तो मतलब 150 कप खाएंगे 150 बैक मिल जाएगा, मैक्सिमम जो था वो 150 था, उसका भी फ़ायदा हमने उठाया था। तो उसका पोस्ट जो है हमने शायद फेसबुक में और अपना वेबसाइट में भी दिया था, तो आप जाके अगर आपने हमारा वेबसाइट और फेसबुक पेज नहीं विज़िट किया तो ज़रूर से एक बार विज़िट कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं
काफ़ी लेटेस्ट ऑफर जो आते हैं देता रहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो अभी टर्म्स एंड कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है ये ऑफ़र जो है ख़त्म हो जाएगा कब, यहाँ पे मैंने देखा था, तो यहाँ पे आप और देख सकते हैं ये 30 नवंबर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अनश्योर कि 30 नवंबर में ख़त्म होने के बाद ये फिर से कुछ ऑफ़र चालू कर देगा, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ऑफ़र चालू नहीं होता है तो मैं कोई ना कोई और तरीका आपको बता दूंगा पैसे अर्न करने का इससे, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि YouTube जो है नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो बड़ी दुख की बात है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, पैसे अर्न कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो बेझिझक आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डाउनलोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक से ही करना है। आप समझ रहे हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यार हमको भी थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है ना, तो आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। तो अभी मैं DSLR के लिए बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर रहा हूँ, जब मैंने देखा कि इसको हम फ्लिपकार्ट में यूज़ कर सकते हैं तो इस पैसे को मैं DSLR खरीदने के लिए यूज़ करूँगा, और आपको और भी अच्छा क्वालिटी वीडियोज़ देने वाला हूँ।